आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं इमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाटापारा से बलौदा बाजार तक शासन प्रशासन तक जनता की मांगों को पहुंचाने के लिए कई राजनीतिक संगठनों के लोगों ने की पदयात्रा। शिवसेना जिला अध्यक्ष संतोष यदु, जिला संयोजक क्रांति सेना, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सेन, शिवसेना जिला अध्यक्ष संतोष यदु, जिला महासचिव मनहरन साहू, युवा कांग्रेस से राजा तिवारी, मनमोहन कुर्रे, अधिवक्ता दीनबंधु देवांगन, आम आदमी पार्टी से जय वाजपेयी, मुकेश साहू, भीखम यदु निर्मलकर, प्रदीप निर्मलकर, ईश्वर निषाद, मनोज यदु, प्रिया सेन आदि आंदोलनकारी शामिल थे। बलौदा बाजार से लेकर भाटापारा तक एक वर्ष पूर्व निर्मित मार्ग ADB की देखरेख में ठेकेदार अग्रवाल इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सड़क निर्माण किया गया था। निर्माण के 6 माह बाद सड़क तब्दील होकर नालीदार हो गई, जिसमें आए दिन कोई न कोई हादसे का शिकार हो रहा है। शासन प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद वो आंख मूंद कर मौन बैठे हैं। इन्हीं संघटनाओं से व्यथित होकर सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के संगठित होकर पदयात्रा के माध्यम से जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है। सड़क का पुनः निर्माण एवं मुख्य कार्यपालन अभियंता B.K. गुप्ता एवं कार्यपालन अभियंता बलौदा बाजार D.K. माहेश्वरी को बर्खास्त करने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। बलौदा बाजार कार्यपालन अभियंता D.K. माहेश्वरी जी विगत 14 वर्षों से इसी पद पर बने हुए हैं। बलौदा बाजार में उच्च अधिकारी का इतना वर्षों तक तबादला न होना आश्चर्य की बात है। कार्यपालन अभियंता ने मीडिया से चर्चा करने पर मना कर दिया। कलेक्टर महोदय ने 3 दिन के अंदर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए आश्वासन दिया है। 3 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ न होने पर ADB से पैसा रिकवरी कर कार्य पूर्ण कराने की बात कही दिए हैं। कलेक्टर महोदय ने बताया है, जानकारी दिया है कि ADB के तहत जो है ठेकेदार को दिया जा चुका है, 3 दिन में काम चालू हो जाएगा। अगर 3 दिन में काम चालू नहीं होता उस स्थिति में ADB से जो पैसा है वो वापस ले लिया जाएगा और दूसरी संस्था को दे करके उसका काम कराया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, क्योंकि वो भी पूरा जानते हैं, रोड में चलते हैं, तो वो भी जान रहे हैं कि ऐसा सा समस्या करके। हमने भी गंभीरतापूर्वक सभी संगठनों के द्वारा उनको जो है अपना अपना ज्ञापन दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, युवा कांग्रेस और युवा मंच, ऐसा करके ये सब है, सब लोगों ने, और महिलाएं भी थी, उन लोगों ने भाटापारा से पैदल चल करके बलौदा बाजार तक जो है पदयात्रा करते हुए आज हम लोग ज्ञापन सौंपे, जिसमें हमें ये दिया गया है आश्वासन 3 दिन का। अब देखते हैं 3 दिन में क्या होता है, जिसके बाद हम सभी सर्व संगठन के जितने भी लोग हैं वो एक मीटिंग करेंगे। अगर नहीं होगा काम तो फिर से जो है पुनः हम लोगों जो मांग था 1 तारीख से हम लोग नांगर चला करके चक्का जाम करेंगे। यही लास्ट हम लोग का ऑप्शन है, क्योंकि और इस टाइप का आश्वासन कई बार दिया जा चुका है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी माननीय कलेक्टर महोदय है, अभी तक जो बातें बोली हुई है वो अब देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। हमें उनके ऊपर विश्वास है कि अगर हो जाएगा। अगर आप कब से निकले थे पैदल यात्रा? हम लोग कल से निकले थे, कल सुबह 10 बजे से भाटापारा के महारानी चौक से छत्तीसगढ़ मतारी चौक से माता का पूजा अर्चना की है, वहीं से हम लोगों ने सब निकले हुए हैं। सारे लोग यात्रा करते आ रहे हैं, तो मांग में केवल आप लोगों ने यहाँ तक भाटापारा तक कहीं लिखा है, इसमें भाटापारा बलौदा मुख्य मार्ग और लवन रोड में भी यही नालीदार सड़कें हो चुकी है, जिससे हम क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो साथी लोग सर्वदलीय मंच से ये जो पद यात्रा स्टार्ट किए हैं, शुरुआत किए हैं कहा जाए, इसमें केवल ये भाटापारा ही ये विषय नहीं रहा है, पूरे जिला के अंदर का जितना भी रोड है सबका मरम्मत किया जाए, सबको सही दिशा में और सही मार्ग में, और साथ में मेन जो अपना जीटी रोड है बिलासपुर रायपुर उसमें जोड़ा इसलिए जाए कि हमारे जितना भी आम नागरिक है उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। अभी बलौदा बाजार से भाटापारा जाने आने में इतना तकलीफ होता है, इतना परेशानी होता है कि कई जगह एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है। सरकार इस पर अमल करे, और तत्काल कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक अमल नहीं किया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस रोड का मरम्मत तत्काल किया जाए, और मरम्मत करते हुए अन्य रोड जैसे कि अभी बलौदा बाजार से सीधा लडवा रोड है, वहाँ पर भी बहुत गंभीर समस्या है, हमेशा दुर्घटना होती रहती है। तो इस प्रकार से शहर से जितने भी मार्ग निकल रहे हैं उसको मेन मार्ग से जोड़ा जाए, और जोड़कर जितने भी खराब मार्ग है उसको सुधार किया जाए। ये
बता चाहूँगा, देखो ये जो है वो राजकीय राजमार्ग में 10 में आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये भी है कि आज देखे थे कि भाटापारा विधायक मनीष चंद्र शर्मा जी जो है वो समाचार पत्र में प्रकाशित किया कि इसके लिए मैंने प्रश्नकाल लगाया करके, इससे पूर्व जब बना 24/7/2019 को इसका 18 को इसका लोकार्पण हुआ, उस समय सत्ता शासन उसी का था, उस समय ऐसा क्यों नहीं जागे, उस समय बोले कि सिकलिन हुआ करके। मैंने राजेश मुहूर्त उस समय का लोक निर्माण विभाग का मंत्री था, उसको लिखित में दिया करके बोले, लेकिन उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाजपा शासन जो था वो भ्रष्ट शासन था। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आ गए हैं, वो बिल्कुल इस ओर ध्यान देंगे, और हमारे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इसमें पुनः काम चालू होगा, और ऐसे जो एडीबी के मुख्य कार्यपालन अभियंता है टीके गुप्ता जी, उस पर त्वरित कार्रवाई होगा, ठेकेदार को निर्देशित भी करेंगे कि इस रोड को पुनः बनाया जाए, ऐसे में पूर्ण विश्वास है। तमाम कई बार अनेक संगठनों के लोगों ने हम लोगों ने बात किया, वो कहता है कि एडीबी के द्वारा रोड बनाया गया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा एडीबी जितने जिले के और रोड हैं आप देखिए उनकी क्या हालत है। ठीक है, माना कि ये रोड एडीबी का है, लेकिन पीके गुप्ता इसका है, देख रहे कि इनके इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। सब ऐसी आंख गहन मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, जनता के हाथ पैर टूट रहे हैं, कौन देखेगा इसको, कब तक बर्दाश्त करें। जिम्मेदार अधिकारियां इस प्रकार मूल छुपाने से, नजरें चुरा लेने से क्या स्थिति सुधर जाएगी? इसलिए महेश्वरी आज 15 साल से यहाँ जमा हुआ है, क्या तमाशा है, इतने चुनाव हो गए, 3 साल तक कोई एक जगह रहता नहीं है, ये यही अधिकारी बलौदा बाजार में कैसे और किसके बर्दाश्त से रुका हुआ है, और ऐसे बलौदा बाजार की में क्या गोंद चिपका हुआ है जिसकी वजह से छोड़ना नहीं चाहता। काम नहीं कर सकते छोड़े, जुगा काम करने वाला अधिकारी आएगा काम करेगा, जनता को काम चाहिए, इनके झूठे इरादे से घूमने काम बनने वाला नहीं है। इसलिए महेश्वरी काम नहीं करना है, ट्रांसफर लेके चले जाओ, नहीं तो अब छत्तीसगढ़ के युवा बर्दाश्त करने वाले नहीं है, तुम्हारे कार्यालय में घुस के अब तुमको खेदार देंगे। तो ये पद यात्रा अभी भविष्य में आप लोग और कर सकते हैं कि ये चेतावनी स्वरूप प्रथम बारी है और अंतिम बारी है? भविष्य में और कर सकते हैं, और कर सकते, जब जब प्रॉब्लम आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे, जनताओं को जब तक उनको मतलब थोड़ा लाउड बोलिए ना, आवाज आपकी आनी चाहिए, जनताओं को जब तक उन लोगों को सुविधा मिलेगी नहीं, जब तक उन लोगों को नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे पद यात्रा। अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे बड़े भैया चंद्रकांत यादव ने बताया कि जो डीके महेश्वरी है लगातार 14 साल से इसी एक ही पद में यहाँ पे मतलब चिपके बैठे हुए हैं, इसी कारण जो है ऐसे में क्या होता है भ्रष्टाचार करते बन जाता है, क्योंकि लोगों से परिचय हो जाता है, क्या हो जाता है सब चीज जान लेते हैं लोग, इसी कारण इनको भ्रष्टाचार करने में तकलीफ नहीं होता, और नेता लोग भी इनका साथ देते हैं। खुल करके भ्रष्टाचार हुआ और खुल करके पैसों की बंदर बांट किया गया, और उसी पैसे को चुनाव में खर्चा ये लोग किए हैं, और चुनाव में खर्चा करके जीत भी गए, अब फिर उनको कोई कुछ करने वाला नहीं है, मिले जुले लोग रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, मिल जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए हम आम जनता को जागरूक करने के लिए आज हम लोग रोड पे उतरे हैं और पद यात्रा किए हैं, हमारे साथ जितने पद यात्री थे आज सभी के मतलब पैर में छाले पड़ गए हैं, पैर चल नहीं पा रहे, हम लोग बैठने में तकलीफ हो रही है, तो मात्र यही है कि हम मांग करने के लिए शासन प्रशासन को जगाने के लिए, जो कुंभकर्णी निद्रा में लोग सोए हुए हैं उनको ये करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री तक एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है और हमें बहुत ज्यादा आशाएं हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, और अगर 1 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो शुरुआत की थी इस आंदोलन को, लेकिन सारे संगठन और सारे पार्टी के लोग मिल करके ये जो है आक्रोश हम लोग दिखाएंगे, नांगर लेकर के रोड में चलाएंगे और चक्का जाम करेंगे, और उसका जो भी ये होगा वो शासन प्रशासन और सरकार उसका जिम्मेदार रहेगा। ये नियमानुसार जो है नेशनल हाईवे से जब राष्ट्रीय राजकीय राजमार्ग को जोड़ा जाता है तो एक अप्रोच रोड जरूरी हो जाता है, और चूंकि लोगों से व्यापारी के साठ गांठ करके अप्रोच रोड का निर्माण नेशनल हाईवे लिमतरा से इन राजकीय राजमार्ग 10 में जो होना था वो अप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साठगांठ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं रवान से ही हूं, रवान में जो राजकीय राजमार्ग गुजर के जाती है, मैंने कई ऐसे हादसे देखे हैं जिसमें से लोग एक दूसरे से चिपक के मर गए, हाईवा चिपक के मर गया, तो कितना भयावह स्थिति है आप रोड को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड में किस कदर ऐसे धांधली की गई होगी कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। जो रोड 40 वर्षों बाद
एडीबी जैसी संस्था बनाती है, एडीबी जैसी संस्था के देख देख में बनाया जाता है, वैसे रोड का एक साल से कम के समय में इस तरह से दुर्दशा होना, और दुर्दशा होने के बाद भी जब आम जनता जो है शासन प्रशासन पे बैठे हुए लोगों को संज्ञान में ले रही है, दे रही है, उस पर भी निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था का होना, ये परिलक्षित करता है कि कहीं ना कहीं आपस में साठगांठ तो है, और साठगांठ होने की वजह से ये जो रोड का ही ना मरम्मत हो पा रहा है, ना ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से ये बोल दे पा रहे हैं कि भाई आप मरम्मत करिए, पुनर्निर्माण कराइए, कुछ तो करिए। लेकिन आज अगर आप उस रोड को देखने जाएं तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि एक वर्ष पुरानी ये रोड होगी, बल्कि लगेगा कि आपको ये बरसों पुरानी रोड है जिस पे किसी भी तरीके से कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं दीनबंधु देवांगन, युवा एकता संगठन। कहाँ चाहूँगा, देखो ये जो है वो राजकीय राजमार्ग में 10 में आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये भी है कि आज देखे थे कि भाटापारा विधायक मनीष शर्मा जी जो है वो समाचार पत्र में प्रकाशित किया कि इसके लिए मैंने प्रश्नकाल लगाया करके, इससे पूर्व जब बना 24/7/2019 को इसका 18 को इसका लोकार्पण हुआ, उस समय सत्ता शासन उसी का था, उस समय ऐसा क्यों नहीं जागे, उस समय बोले कि सिकलिन हुआ करके। मैंने राजेश मुहूर्त उस समय का लोक निर्माण विभाग का मंत्री था, उसको लिखित में दिया करके बोले, लेकिन उस समय ये कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाजपा शासन जो था वो भ्रष्ट शासन था। आज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आ गए हैं, वो बिल्कुल इस ओर ध्यान देंगे, और हमारे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इसमें पुनः काम चालू होगा, और ऐसे जो एडीबी के मुख्य कार्यपालक अभियंता है टीके गुप्ता जी, उस पर त्वरित कार्रवाई होगा, ठेकेदार को निर्देशित भी करेंगे कि इस रोड को पुनः बनाया जाए, ऐसे में पूर्ण विश्वास है। आरएनएन न्यूज़ के लिए बलौदाबाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।